अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? आज बेटा मैं आपको मुजक्कर और मुअन्नस बनाना सिखाऊंगी। मुजक्कर किसे कहते हैं, मुअन्नस किसे कहते हैं, मुजक्कर और मुअन्नस की तारीफ बताऊंगी, ठीक है? और आपको मुजक्कर और मुअन्नस के बारे में अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा और फिर आप मुजक्कर और मुअन्नस का फ़र्क जान सकोगे, ठीक है? और इस तरह से फिर मुख्तलिफ चीज़ों के मुजक्कर और मुअन्नस के जोड़े मुख्तलिफ खानों में अपनी नोटबुक में लिख सकोगे, ठीक है? तो अब हम अपना सबक शुरू करते हैं और पहले सब सफ़े की तरफ जाते। ये लिखा हुआ है मुजक्कर, ठीक है? मुजक्कर मुअन्नस, मुअन्नस, ठीक है? ये देखें, जिन्स के लिहाज से इसम की दो अकसाम हैं, ठीक है? जिन्स के लिहाज से इसम की दो अकसाम हैं, मुजक्कर मुअन्नस। इसमें ये कहा गया है, मुजक्कर मुअन्नस की तारीफ क्या है कि जिन्स के लिहाज से, यानी जैसे हम इंसान हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब इनकी जिन्स होती है, तो उसके लिहाज से इसम की, नामों की दो किस्में हैं, ठीक है? एक को मुजक्कर कहा जाता है और एक को मुअन्नस कहा जाता है, ठीक है? अब समझ आ गई है? तमाम जानदारों के जोड़े होते हैं, ठीक है? और उनको दो किस्मों में तकसीम किया जाता है, एक को मुजक्कर कहा जाता है, एक को मुअन्नस कहा जाता है। अब हम चलते हैं मुजक्कर मुअन्नस में। सबसे पहले मैं आपको मुजक्कर की तारीफ पढ़ाऊंगी, ठीक है? और आपको पता चल जाएगा कि सी ही नर इसम को मुजक्कर कहते हैं। क्या किसी भी नर इसम को मुजक्कर कहते हैं? जैसे लड़का, मर्द, शेर, बिल्ला वगैरह। समझ आ गई है? नर जो, जैसे आप हो गए लड़के हैं, जैसे जितने आपकी क्लास में लड़के हैं, ठीक है, वो नर में नर इसम में आते हैं, ठीक है? अब्बू आपके हो गए, जैसे इसी तरह से बिल्ला हो गया, बकरा हो गया, ठीक है? तो ये सब नर इसम होते हैं, नर नाम होते हैं, ठीक है? इनको मुजक्कर कहते हैं। इसकी मिसालें उन्होंने बताई हैं, लड़का, मर्द, शेर, बिल्ला वगैरह, ठीक है? इसकी मजीद मिसालें आप कह सकते हैं, जैसे लड़का है, आदमी है, ठीक है? और इसी तरह से अब्बू हो गए, चचा हो गए, दादा हो गए, बिल्ला हो गया, ठीक है, कुत्ता हो गया, इसके अलावा गधा हो गया, इसके अलावा जो है तो मुर्गा हो गया। ये सब नर इसम है और ये सारे के सारे मुजक्कर हैं, ठीक है? आपकी क्लास में जितने लड़के हैं वो सब के सब लड़के मुजक्कर हैं, समझ आए? इसी तरह आपके चचा, आपके मामू, आपके दादा अबू, ये सब मुजक्कर कहलाते हैं, ठीक है? इसी तरह से देखा जाए तो जानवरों में शेर हो गया, बिल्ला हो गया, ठीक है, गधा हो गया, और इसके अलावा और भी जो जानवर या परिंदे जो नर होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मुजक्कर कहलाते हैं। अगले सफ़े की तरफ जाएंगे, अगली स्लाइड की। मुजक्कर मुअन्नस की मजीद तारीफ में मुअन्नस किसे कहते हैं? मुजक्कर आपने पढ़ लिया, अब मुअन्नस। मुअन्नस किसी भी मादा इसम को मुअन्नस कहते हैं, ठीक है? किसी भी मादा इसम को मुअन्नस कहते हैं, ठीक है? जैसे लड़की, औरत, बिल्ली, शेरनी वगैरह। अब आपकी क्लास कहते हैं जो भी इसम मादा हो, मसलन लड़की है, ठीक है, तो वो मादा है, ठीक है, औरत है तो मादा है, अम्मी है मादा, ठीक है। इसी तरह से मुर्गी हो गई, ठीक है, चिड़िया हो गई, ये सारे मादा
मादा इसम है, और इन सब को कहा जाता है मुअन्नस, मुअन्नस। ठीक है, क्लास में जितनी लड़कियां हैं वो सारी सारी मुअन्नस कहलाएंगी। ठीक है, आपके घर में जितनी औरतें हैं वो सब मुअन्नस हैं। बिल्ली है तो मुअन्नस है, मुर्गी है तो मुअन्नस है, बकरी है तो मुअन्नस है, ठीक है, गाय है तो मुअन्नस है। समझ आ गई है आपको? अच्छी तरह से मुझे लग रहा है कि मुजक्कर की तारीफ भी समझ आ गई होगी, मुअन्नस की तारीफ भी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको मुजक्कर मुअन्नस पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये देखिए, ये मुजक्कर लिखा हुआ है, ये मुअन्नस लिखा हुआ है। अब्बू अम्मी, अब्बू मुजक्कर, अम्मी मुअन्नस, दादा मुजक्कर, दादी मुअन्नस, नाना मुजक्कर, नानी मुअन्नस। ठीक है, चचा मुजक्कर, चची मुअन्नस। अब इस सफ़े पे आप देख रहे हैं कि मुजक्कर के नीचे अब्बू, दादा, नाना, चचा आ गए हैं, और मुअन्नस के नीचे अम्मी, दादी, नानी, चची, ये आ गए हैं। इसके अलावा आपको मजीद भी मुजक्कर मुअन्नस पता होने चाहिए, मसलन मुर्गा, मुर्गी। ठीक है, इसके अलावा चिड़ा, चिड़िया, बकरा, बकरी, लड़का, लड़की। समझ आ गई यहाँ तक मुजक्कर मुअन्नस की? अगले सफ़े की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलते। अब यहाँ पे पढ़िए मुजक्कर मुअन्नस। ठीक है, ताया मुअन्नस, ताई, ताया ताई, फुप्पा फुप्पी, ठीक है, फुप्पा फुप्पी, मामू मुमानी, मामू मुमानी, नवासा नवासी, ताया ताई, पा फुप्पी, मामू मुमानी, नवासा नवासी। अब इस सफ़े में आप देख रहे हैं मुजक्कर के नीचे सारे आ गए हैं, ताया फुफ्फा मामू नवासा। मुअन्नस के सामने देखिए, ताई फुफ्फी मुमानी नवासी। समझ आ गई है? इसके अलावा मैं जैसे आपको बता रही थी, आपने यहाँ पर अगर लिखा हो कि कबूतर मुजक्कर, तो वहाँ पे होगा कबूतरी। ठीक है, वहाँ पे हो गया चिड़ा, तो मुअन्नस होगी चिड़िया। ठीक है, बकरा बकरी। इसके अलावा जैसे दादा दादी, नाना नानी, चचा चची, मामू मुमानी। ठीक है, भाई बहन, अब्बू अम्मी। बेशुमार मुजक्कर मुअन्नस आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको मुजक्कर और मुअन्नस की तारीफ तो अच्छी तरह समझ आ गई है। जब मैं आपसे मुजक्कर मुअन्नस पूछूंगी मजीद चीज़ों के, तो ज़रूर आपको आने चाहिए। ठीक है, मुजक्कर मुअन्नस बहुत आसान होते हैं, और सब बच्चे आराम से ये मुजक्कर के मुअन्नस बता सकते हैं। समझ आ गई है बच्चों? आज के सबक से आपको मुजक्कर मुअन्नस की सही पहचान हो गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये जितने मुजक्कर मुअन्नस सीखे हैं, इन मुजक्कर मुअन्नस को अपनी कॉपी में लिखना है। प्यारा सा, बहुत प्यारा प्यारा लिख रहा है। एक तरफ मुजक्कर के लिए लाइन लगाइए, दूसरी तरफ मुअन्नस के लिए लाइन लगाइए, और इन दोनों को लिखिएगा। और आप लोगों ने बहुत प्यारी लिखाई में ये काम करना है, और मैं आपकी कॉपियाँ चेक करूँगी। और इसके अलावा मैं मज़ीद आपसे और भी पूछूँगी मुजक्कर मुअन्नस, जैसे मैंने अभी जितने बताए हैं इस वीडियो में, उस उनके अलावा भी अगर मुझे कोई चीज़ें ऐसी नज़र आ गई जिनका आप मुअन्नस बता सकते हो, तो आपसे मैं पूछूंगी। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको दोबारा सिखा दूंगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज आप लोगों ने क्या करना है, मुजक्कर मुअन्नस की तारीफ भी याद करनी है, और मुजक्कर मुअन्नस कॉपी पर लिखने भी हैं, और मुजक्कर मुअन्नस जो है वो बहुत प्यारी राइटिंग में लिख कर मुझे भेजने भी हैं, और फिर इसका टेस्ट भी मैं लूँगी। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा सा टेस्ट कर लो मुजक्कर मुअन्नस का। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सबक अच्छी तरह समझ आ गया है। इंशाल्लाह अगले सबक में हम किसी और टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।